भगवान को माया नहीं लगती है और भगवान के जो भक्त हैं उनको भी माया नहीं लगती है। तो कैसे हो सकता है कि अर्जुन ऐसे हो गए कि वो एक बद्ध जीव जैसा व्यवहार कर रहे हैं? तो ये भगवान के योजना के अनुसार। ठीक उसी प्रकार से आप पढ़ेंगे महाभारत में भी ऐसा बहुत सारा आख्यान में मिलता है कि जैसे युधिष्ठिर महाराज है वो जुआ खेल रहे हैं। कैसे हो सकता है, कैसे समझना है कि वो ये सही है कि गलत? तो श्रीपाद माधवाचार्य समझाते हैं कि जो खास करके महाभारत को समझने के लिए उन्होंने बताया कि महाभारत को समझने के लिए तीन तरीके हैं, तीन तरह से समझ सकते हैं। क्या है वो? एक, उसका जो लिटरल मीनिंग होता है उसको बोलते हैं शाब्दिक अर्थ, उससे समझा जा सकता है कि एक घटना हुआ, दूसरा घटना हुआ, एक क्रम अनुसार एक घटना होते रहता है तो उसको शाब्दिक अर्थ से समझते हैं। दूसरा एक कि कोई घटना हुआ, कोई कथा हुआ तो उसको उसमें नीति क्या है, अनीति क्या है, नीति के आधार पर नैतिकता बोलते हैं उसके आधार पर समझना। तीसरा जो है वो गुरु से समझना या फिर दिव्यता जो गुरु परंपरा से समझना है। तो तीन तरह से समझे, पहला शब्दिक एंड लिटरली मीनिंग, दूसरा नैतिकता के आधार पर, और तीसरा जो है वो गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर। तो सामान्य तरह क्या होता है कि लोग जो है पहला जो तरीका है उससे समझते हैं, क्या शाब्दिक प्रमाण से कि ऐसा हो गया, इसका ऐसा हो गया। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि ये युद्ध हो गया, फिर बाद युद्ध के बाद बहुत खून खराबा हुआ। हाँ ठीक है, ये सब तो सही है, शाब्दिक तो अर्थ है, लेकिन शाब्दिक अर्थ पूर्ण तरह से हमको जानकारी नहीं मिलती है। कैसे? जो ज़्यादातर हम देखते हैं टीवी में या फिर मूवी में या फिर कहीं पर भौतिक तरह से प्रदर्शन या नाटक के रूप में हम देखते हैं कहीं पर भी, तो वो जो है शाब्दिक अर्थ के ऊपर जाता है। तो इसलिए बहुत से लोग रामायण को, भगवद गीता को या फिर महाभारत को या शास्त्र को समझने में ज़्यादातर गलती करते हैं। इसलिए हमको शाब्दिक अर्थ के बाद नैतिकता और तीसरा प्रामाणिकता, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर समझना चाहिए। तो हम जो यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं ये सब पूर्ण जो है गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर कर रहे हैं। इसमें कोई त्रुटि नहीं है, इसमें कोई स्पेकुलेशन नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने बोला, हमारा कहना है, हमारा सुनना है या मेरा मानना है या मेरी समझ से, ऐसा नहीं है इसमें। इसलिए हमें समझना है प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से। इसलिए हम प्रस्तुत करते हैं भगवद्गीता यथारूप, जो एक गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त होता है। इसलिए हमें ये ग्रंथ को इस परंपरा से प्राप्त होगा तो हम उसका वास्तविक अर्थ समझ पाएंगे। इसलिए हम सबसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग सब पढ़िए भगवद्गीता यथारूप। हरे कृष्णा।